ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा जेई मेन से रिलेटेड। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होता है आपको मैं वीडियो के जरिए आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, ऑफिशियल नोटिस आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा कि जेई मेन एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है और कैसे डाउनलोड करने हैं, और आपके जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे जेई मेन सेंटर पे वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा, जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है और जिनका वेरीफाइड उनके लिए भी। सो सब्सक्राइब करके रखिएगा काफ़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, सो बात करते हैं जेई मेन का एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट के बारे में क्या है। सो आपको पता है कि जेई मेन का एडमिट कार्ड जो है 12 को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाना चाहिए, और बेशक 12 को आ जाना चाहिए क्योंकि 1 वीक बिफोर आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। और इस बार अभी तक नहीं रिलीज हुए हैं, लेकिन अपडेट ये है कि आज आपका मतलब 13 जून को गारंटीड है, मतलब 100% श्योर है कि आज एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, कभी ना कभी आज रिलीज होना ही, या तो दोपहर में हो या शाम में हो या रात के 12 बजे के आसपास हो, लेकिन आज रिलीज़ हो जाएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता हूँ। जैसे कि 18 तारीख को एक एग्ज़ाम होने वाला है जो कि NTA ही कंडक्ट करता है, और होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन इसका जो एडमिट कार्ड है वो 10 जून को ही रिलीज़ हो गया, मतलब 8 डेज बिफोर ही इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि NTA वाले जेई मेन का अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किए हैं, तो आज मतलब 13 जून को तो कन्फर्म है आज एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दूंगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर दूंगा जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगी कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग फेक वेबसाइट के जरिए आपको बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया है, इस तरीके से डाउनलोड करिए, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, तो ये गलत है। इस सारे वेबसाइट पे आप ना जाएं, इससे आपका जो पर्सनल डिटेल है लाइक एप्लीकेशन नंबर, जो आपके जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर है, वो लीक हो सकता है, और इससे आपके आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स आपके जब काउंसलिंग करोगे तो हो सकता है कि आपके सीट पे किसी और काउंसलिंग हो जाए और आपका सीट ही ना मिले, ठीक है। मतलब आपके काउंसलिंग में आपके सीट कैंसिल हो जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट दिस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।